अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लो एंड हाई स्पिन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। इन दिस वीडियो वी विल कवर दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। जो आई हैव डिफरेंट टू कॉम्प्लेक्सेस। नंबर वन, आई हैव दिस कॉम्प्लेक्स एंड नंबर टू आई हैव दिस कॉम्प्लेक्स। वेदर गिवन कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन और हाई स्पिन कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स। तो बच्चों, जो हमारे पास जो गिवन कम्प्लेक्स हैं, हम बताएंगे ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। अगर आप बच्चों ये वाली वीडियो देखते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे, तो आप इजीली इसको बयान कर सकते हैं कि ये लो है या हाई है। बच्चों, आपने इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। अगर एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, याद रखना है। और मिनिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और मिनिमम जो आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास होगा लो स्पिन, याद रखना। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हमारे पास है और कम से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कम से कम है, इसमें कहानी यही है, जिसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास हाई स्पिन कम्प्लेक्स होगा, अगर मिनिमम है तो वो हमारे पास क्या होगा, लो स्पिन। ये बच्चों आपने बात याद रखनी है, मिनिमम और हाईएस्ट, मैक्सिमम मिनिमम, ये वर्ड आपने याद रखना है। जिसमें मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा हमारे पास लो स्पिन, और जिसमें मैक्सिमम होंगे वो क्या होगा, हाई स्पिन होगा। बच्चों, हम बताएंगे कैसे कि हमारे पास ये लो है या हाई है। बच्चों, आपने सबसे पहले इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो ये वाटर है जो कि इसका ओवरऑल जो चार्ज होता है वो जीरो ही होता है, ठीक है, इक्वल टू 3 पॉजिटिव। इसमें जो हमारे पास आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, ठीक है, क्या हमारे पास +3 है, मतलब ये आयरन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों, आप देखते हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 26 होते हैं, क्या होता है 26। सबसे पहले हमारे पास आर्गन होता है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन वाइंड अप करता है। उससे आगे हमारे पास आप कर लें 3D और 4S, ठीक है, वैसे आप 4S को पहले लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है। अब बच्चों आपने देखना है D में, उसमें उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। सबसे पहले आपके S से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किधर से जाएंगे, 4S से 2 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, और बाकी 6 इधर हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आपके D से जाएगा, ठीक है, एक इसके आप 10 और वाइटल बना लें, ठीक है, बाकी 2 S से गए और 1 D से गया, बाकी D में बच्चों हमारे पास कितने रह गए, 5 रह गए, ठीक है। बच्चों आपने याद रखना है, जो हमारे पास वाटर हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप नहीं होते, ये बैक साइड पे पेयर अप नहीं होते, पीछे आके ये पेयर नहीं बनाते, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये मैक्सिमम नंबर ऑफ के हमारे पास मौजूद हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें बच्चों मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो वो बच्चों हमारे पास क्या होता है, हाई स्पिन होता है, क्या होता है, हाई स्पिन होता है। बच्चों आप देख लें, मैंने कहा अगर मैक्सिमम मिनिमम होंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो वो लो स्पिन होगा। अब इसमें उसका कंट्रास्ट आ गया, उल्टा आ गया, इसमें ये हमारे पास जो वाटर है ये वीक फील्ड लिगेंड है, एक बात होगी, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड है। तो ये मैंने दो बातें आपको बताई हैं जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, हाई स्पिन होता है, क्या होता है बच्चों, बात समझ आ गई ना, आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई है। अब बच्चों देखें हमारे पास ये है, इसमें हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट उसको भी आप फाइंड निकाल लें। तो ये हमारे पास क्या है, 6 लिगेंड है और साइनाइड का -1 होता है, -3 है, तो ये -6 उधर ही है कि +6 हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास जो आयरन का वो भी क्या हो जाएगा, +6, 3 का लेंगे हमारे पास +3। इसमें भी ये क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास आएगी आयरन की 3 पॉजिटिव, जो हमारे पास बच्चों आर्गन 18 है, ठीक है, आगे हमारे पास क्या 3D, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन रह गए और 4S में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, ठीक है। बच्चों जब आप इसकी वो जो ऑर्बिटल है उसमें इसको लिखते हैं 1, 2, 3, क्योंकि हमें पता है 10 इलेक्ट्रॉन डी रखते हैं और S में 2 थे, वो दोनों लूज हो गए। अब ये जब आज बच्चों आप लिखेंगे ना इधर, ये 5 अनपेड हैं, ठीक है, तो हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड होता है उसमें ये होता है ये पेयर अप होते हैं। ये बच्चों आपके पास क्या होगा,
ये इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, ये इसके साथ पेयर अप हो जाएगा। जब आप इसको देखेंगे ये पेयर अप हो गया, ठीक है बच्चों, आप इसको अपने माइंड में बिठाएंगे, ठीक है। ये भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इधर आ गया, ये इधर, टोटल पाँच है, तो ये एक हमारे पास पाँच हो गए। अब बच्चों इसमें देखें, इसमें हमारे पास पाँच अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारे पास एक है। मैंने यही तो बात की ना, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, वो बच्चों हमारे पास क्या होता है, लो स्पिन कम्प्लेक्स होता है। आई होप सो कि बच्चों आपको ये जो लो और हाई स्पिन का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया है। अगर आपको बच्चों आई होप सो कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट और एग्जांपल को लेके, अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट आपने इसमें बात ये आपने माइंड में बैठानी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड, इसके साथ आपने देखना है किस में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। याद रखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कोशिश होती है वो पेयर अप हो जाए, लेकिन जो वीक फील्ड के अंदर उतनी उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो पेयर अप हो जाए। आई होप सो कि बच्चों आपको ये वाला वीडियो समझ आ गया, आई थिंक आई मीन आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।